मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। आज मसाला किचन में बन रही है अचारी भिंडी। भिंडी तो रोज ही खाते हैं, भिंडी सीजनल है, भिंडी हर टाइम मिल जाती है, लेकिन ये अभी नई सीजन की जो गर्मी की भिंडी आ रही है, तो उसे हम ताज़ी ताज़ी बढ़िया से भिंडी को हम बना रहे हैं अचार के टेस्ट में। बहुत ही अमेजिंग लगने वाली है। जिन्हें भिंडी पसंद नहीं है वो तो ज़रूर खाएंगे, और जिन्हें भिंडी पसंद है वो तो बार बार यही बनवाएंगे। तो इस भिंडी को हम बनाएं कैसे, चलिए चलते हैं। हाफ के जी भिंडी ले ली है मैंने, उसे वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हमेशा भिंडी को पोंछना चाहिए कपड़े से। मैंने पोंछ लिया है, अब ये भिंडी बिल्कुल साफ है। इन्हें मैं एक एक भिंडी के तीन तीन पीस कर रही हूँ। हाँ, ये ज़रूर देखिए कि अगर अंदर कुछ डाउट लगता है आपको कीड़े का, तो उसे आप ज़रूर चेक कीजिए। मैंने अच्छे से इन्हें चेक कर लिया है और इनको पीसेस में काट लिया है। अब लेते हैं इसके मसाला बनाने के लिए प्याज। चार से पांच मैंने प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने छील लिया है, पानी में रख दिया है। अब मैं इसे कट भी कर लेती हूँ। प्याज को इस तरीके से मैंने खोल भी दिया है। आप इस भिंडी की सब्जी के साथ चाहे कुछ ना भी बनाएं, तब भी आप इसे बहुत पसंद करेंगे। यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा सरसों का ऑयल, करीब 2 टेबलस्पून। इसको आप कोशिश कीजिए सरसों के तेल में ही बनाइए, और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि बाकी का ऑयल अगर आपके पास ऐसा है तो वो डालिए। अब इस भिंडी को मैंने डाल दिया। थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें एक ट्रिक है जिससे इसका लिसलिसापन खत्म हो जाए, क्योंकि हम डीप फ्राई तो कर नहीं रहे। इसमें या तो आप एक चम्मच सोया सॉस डाल दीजिए, या आप थोड़ा नींबू का रस डाल दीजिए। मैंने डाल दिया थोड़ा सा नींबू का रस। अब इसे चलाएंगे ना, लिसलिसापन बिल्कुल ख़त्म। तो यहाँ पर मैं तो बना रही हूँ मसाला भिंडी, मतलब अचारी भिंडी। आप इस तरीके से और कौन सी सब्जी बना पाएंगे मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे जलाना नहीं है, बस 2-4-5 मिनट के लिए इसे पकाना है। लीजिए, भिंडी को मैंने थोड़ा पका लिया है। अब हम ऑयल को बचाते हुए निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़ी सी भिंडी पकी हुई है, जिन्हें हम अलग निकाल लेते हैं। इसी तरीके से मैं कभी कभी अचारी आलू भी बनाती हूँ, वो भी बेहद पसंद आएंगे आपको। अब इसी ऑयल में हमें डालना है 1 चम्मच भर के सूखा साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच पीली राई, ये दरदरी कुटी हुई है। यहाँ पर मैं सूखी साबुत लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, या गोला मिर्च, कोई भी आप डाल सकते हैं। मसालों को थोड़ा सा पका लेते हैं। अब इसमें डालूँगी मैं अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। इसमें से आप कोई भी चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। इन्हें भी हम पकाएंगे। अभी बिल्कुल ऑयल ना के बराबर है, क्योंकि हम इसमें एक अलग वाला ऑयल डालने वाले हैं। ये देखिए, ये है अचार का ऑयल। इस समय हमारे पास कोई भी अचार हो जो ऑयल से हम बनाते हैं, जैसे मिर्ची का अचार, मिक्स अचार, या फिर आम का अचार, उसका ऑयल आप ले लीजिए। जो टेस्ट आएगा ना इस ऑयल में, बहुत ही अमेजिंग सा। ये आपको वाइट पानी लगा होगा। ये मैंने क्या डाला, ये हींग का पानी। हींग अगर आपके पास बहुत ही बढ़िया वाली हो ना, पाउडर के अलावा जो गुठली वाली, उससे आप पानी डालकर रख दिया कीजिए फ्रिज में। जब भी आपको मन करे सब्जी में डाल देंगे, उसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आएगा। अब इसमें डाल दी मैंने कटी हुई प्याज। उन प्याजों को भी इन मसालों के साथ में पकाना होगा। 3-4 मिनट पका लेते हैं। अब लेते हैं मसाला। इस भिंडी में डालने वाले हैं हम भरपूर सा मसाला। क्या मसाले डालेंगे वो देख लेते हैं। करीब 1 किलो ये सब्जी हो गई, 1/2 किलो प्याज, 1/2 किलो भिंडी। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और ये लिया है मैंने 1 चम्मच चाट मसाला। इन सारे मसालों को हम डाल देते हैं। ये बीच में रखा है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला। इन सारे मसालों को प्याज में डाल देते हैं
और मसालों के साथ इस प्याज की भुनाई होगी। यहाँ लिया मैंने 3 टमाटर, 2 से 3 टमाटर ले सकते हैं, और इसे ग्राइंड कर लीजिए या ग्रेट कर लीजिए। इन प्याज में मिला लीजिए। अब इस मसाले को धीमी आंच पे पकने दीजिए, जिससे प्याज, टमाटर, सारे मसाले बहुत ही बढ़िया तरीके से पक जाएं। इसे मैं ढक देती हूँ। लीजिए 3-4 मिनट पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे फेटा हुआ दही, 1 छोटी कटोरी फेटा हुआ दही। अगर आप दही नहीं डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये अचारी भिंडी है तो इसमें नींबू की भी खटाई है, अमचूर की भी खटाई है और दही की भी। कोई मसाला आप चाहें तो हटा सकते हैं। ये ढाबे वगैरह में ये बहुत ही फेमस बनती हैं भिंडी, और भिंडी ना खाने वाला इसे चाट चाट कर खाता है। अब दही डालने के बाद भी इसे थोड़ी देर ढक दीजिए। ये लीजिए ऑलमोस्ट ये दही भी काफ़ी हद तक सूख गई है। अब डालने वाले हैं हम भिंडी। ये दही अच्छे से भुन चुकी है, अब इसमें डालेंगे हम फ्राई की हुई भिंडी। ये हाफ फ्राई की थी, अब इस मसाले के साथ इन भिंडियों को पकाना है। इसे स्लो गैस पर ढक कर पकाइए जब तक कि भिंडी सॉफ्ट ना हो जाए, जब तक मैं धनिए को बारीक काट लेती हूँ। ये लीजिए भिंडी अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है और बहुत ही बढ़िया पक चुकी है। इसमें अब कोई पानी नहीं है, इसे हम हटा देते हैं फ्लेम से। अब भिंडी आप यूं ही पूड़ी, पराठा, रोटी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। साथ में सलाद रखिए, दाल ना भी बना पाएं साथ में पापड़ और पका लीजिए, बस मज़े ही मज़े हैं। बस पापड़ सिक चुका है, इसे फोल्ड करते जाइए और सर्व कीजिए। इसी तरीके से और भी पापड़ सेक लेते हैं। भिंडी कई टाइप की हम बना लेते हैं, सूखी भिंडी, मसाला भिंडी, भिंडी प्याज, भिंडी दो प्याजा, मैंने भी कई टाइप की भिंडी बनाई हैं, लेकिन आज ये अचारी भिंडी आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अब लीजिए भिंडी को हम सर्व करते हैं। है ना बड़ी मज़ेदार सी भिंडी, आया है ना मुँह में पानी, बहुत ही अमेजिंग भिंडी है। कब बना रहे हैं ये भिंडी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।